Clash of Clans. How are you to get your latch? I'm your fear to do. Thanks for watching. I hope you guys learned a little something. So guys, हम लोगों ने यहाँ पे एक वॉर की थी बहुत ही लेजेंडरी क्लैन के साथ, जो लास्ट वीडियो हम लोगों ने बनाई थी, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में फाइनल में गए थे MCES क्लैन, उन्हीं के साथ हम लोगों ने वॉर की एंड रिजल्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा शॉकिंग है। एंड ये कोरोना नहीं होता तो शायद IPL भी चल रही होती अभी। तो मैं क्या कर रहा था, पिछले साल के कुछ मैचेस देख रहा था, जिसमें मैं CSK वर्सेस RCB की एक मैच देख रहा था, जहां पे लास्ट के 6 बॉल में 26 रन करने थे, धोनी था स्ट्राइक पे एंड बॉलर था सामने उमेश यादव। लेकिन वहां पे एक बहुत शॉकिंग चीज हुई, मतलब मैच तो CSK ने हारी हुई बाजी जीत ही ली थी, लेकिन वो होता है ना, मतलब हाथ आया लेकिन मुंह ना लगा बोलते हैं उसको, वैसा सीन हुआ। लास्ट के एक बॉल में धोनी था स्ट्राइक पे, तो क्या होना था, पहले 4 मारा फिर 6 मारा, एक तो आउट ऑफ स्टेडियम मार दिया, फिर से 6 मारा, फिर धोनी ने मैच लगभग निकाल ही ली थी, एक 4, 2 सिक्सेस, 2 रन। एंड जो लास्ट का बॉल था वहां पे एक बॉल में 2 रन करने थे, 6 बॉल में 26 रन चाहिए थे और लास्ट के एक बॉल में सिर्फ 2 रन चाहिए थे, लेकिन उस टाइम पे धोनी की बैट को बॉल लगा ही नहीं, धोनी भागा, पीछे से पार्थिव पटेल ने थ्रो मारा और आउट हो गया, 1 रन से मैच हार गए यहाँ पे। एंड हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, हम लोगों ने यहाँ पे वॉर की थी MCS क्लैन के साथ, जो 2019 के वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में था, एंड हालांकि ये क्लैन वहां पे हार गया था, लेकिन हम लोगों ने इनके साथ वॉर करी थी। एंड हमारे साथ भी यहाँ पे सेम सिचुएशन हुई थी जैसे CSK के साथ हुई थी, एंड हम लोग भी यहाँ पे सिर्फ 1 स्टार से हार गए, वो भी मेरी गलती की वजह से, एंड वो भी बहुत बहुत नेग्लिजिबल गलती बोल सकते हैं हम लोग इसको, लेकिन वो गलती इतनी महंगी पड़ गई कि हम लोग वॉर हारनी पड़ी। वॉर पूरी हमारे हाथ में थी, लेकिन छोटी सी गलती की वजह से पूरी वॉर हार गई, पूरी टीम को खामियाजा भुगतना पड़ा उसकी वजह से। तो गाइज अभी हम लोग वो वॉर देखने वाले हैं। अगर हम लोग बात करें CSK वर्सेस RCB की, वहां पे 1 रन से हारे थे, धोनी की बैट ने बॉल को मिस कर दिया और यहाँ पे मेरे फ्रिज पेल ने विजर्ड टावर को मिस कर दिया, तो हार गए हम लोग यहाँ पे वॉर। वहां धोनी की बैट मिस हो गई और यहाँ पे मेरे बैट्स मर गए, इस वजह से हम लोग वॉर हार गए। आज हम लोग यही इंटरेस्टिंग वॉर देखने वाले हैं गाइज। यार एक और बात, हम सभी लोग अपने अपने लाइफ के हीरो होते हैं एंड हम सभी लोग जीतना चाहते हैं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं ना होता, कभी कभी हारना भी पड़ता है। तो चलो अभी जो हम लोग वॉर हारे थे वो देखते हैं। तो गाइज वो गलती कौन सी हुई थी, चलो देखते हैं वॉर में। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको जल्दी से दबा दो, ताकि हमारे जल्द से जल्द 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो पाए। तो एंड हाँ, बाजू वाला बेल आइकन भी दबा देना। तो गाइज ये हुई थी हमारी यहाँ पे वॉर, पुणे फाइटर वर्सेस MCES। हालांकि वहां पे उन्होंने लेवल 1 का न्यू क्लैन बनाया था, तो यहाँ पे नंबर 1 पे 3 स्टार आया, नंबर 2 पे 3 स्टार अमन अन्नी ने 3 स्टार किया, और जो हमने अटैक किया था नंबर 5 पे 93%। भाई अगर ये 3 आता ना मजा ही आ जाता। तो गाइज आज हम लोग ये देखने वाले हैं कि किस वजह से हम लोग हारे हैं। तो स्टार्टिंग में हम लोग हमारा ही अटैक देखेंगे, उनके भी 3 स्टार अटैक्स देखेंगे, हमारे भी 3 स्टार अटैक्स देखेंगे। सबसे पहले जिस वजह से हारे हैं, जिस वजह से मतलब वॉर गई हमारी, वो चीज़ देखेंगे। मतलब पूरी वॉर हमारे ही हाथ में थी अगर देखा जाए तो। एंड यहाँ पे जो हमारे क्लैन का दीप है, उसने भी यहाँ पे गलती की थी, उसने तो आर्चर क्वीन को डाला ही नहीं था, एकदम लास्ट में डाला। तो यहाँ पे गाइज ये वाला बेस देख लो, मिस्टर इरियम का बेस है, इस बेस के ऊपर किया था मैंने अटैक, बैट स्पेल्स के साथ, 6 बैट स्पेल्स के साथ अटैक किया था। तो यहाँ पे देख लो गाइज, स्टार्टिंग में हम लोगों ने क्या किया, टाउनल की साइड से अटैक किया, सारे के सारे मैक्सिमम विजर्ड टावर्स डाउन किए, टाउन हॉल डाउन किया, दोनों के दोनों स्कैटर शॉट डाउनलोड किए, सॉरी डाउन किए, डाउनलोड कहाँ भाई, क्या बोल रहा हूँ मैं। तो एंड पीछे अगर आप लोग देखोगे तो पीछे एक ही विजर्ड टावर था, उसी विजर्ड टावर ने पूरा कांड कर दिया एंड हमारा अटैक फेल हो गया। हालांकि मैंने वहां पे, अभी आप लोग बता देता हूं गलती क्या की थी मैंने, बहुत छोटी सी गलती है, नहीं तो ये 3 स्टार आ जाता है अटैक। तो यहाँ पे हम लोगों ने फनल वनल बना लिया था अच्छे से, सीज मशीन डाल दी हम लोगों ने, सारे के सारे ट्रुप स्कोर में गए थे, सबसे इंपॉर्टेंट बात, फनल अच्छे से अगर आप लोग बनाओगे तभी आपके ट्रुप स्कोर में जाएंगे एंड अटैक 3 स्टार होने के चांसेस बढ़ेंगे। तो यहाँ पे टोटल हम लोगों ने 2 रेड स्पेल, सीज मशीन के अंदर हम लोगों ने 1 आइस गोलम और यटी यूज किया था। देखो हम लोगों यहाँ पे बहुत अच्छी खासी वैल्यू मिली थी, हम लोग चारों के चारों यहाँ पे विजिट टावर्स मिल गए, स्कैटर शॉट्स मिल गए, पीछे से हम लोगों ने रॉयल चैंपियन डाल दी थी एंड 6 बैट स्पेल, सिर्फ एक ही हमारे पास यहाँ पे फ्रिज स्पेल था एंड 1 आइस गोलम भी, एक आइस गोलम भी था ताकि हम लोग इस वाले विजिट टावर को डिस्ट्रैक्ट कर सकें। अभी देखना ना गाइस क्या हम लोगों ने यहाँ पे गलती की थी। तो हम लोगों ने सामने का बेस तो पूरा फोड़ दिया था एंड बैटिंग हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट कर दी, राइट। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे एक जायंट डाल के हम लोगों ने आइस गोलम डाला ताकि मुझे वहाँ पे लगा कि स्प्रिंग ट्रैप हो सकता है, तो जायंट जो हमारा ये आइस गोलम है वो उड़ सकता है, इसलिए मैंने वहाँ पे एक जायंट डाला
एंड डाल दिए सारे के सारे पीछे से हमारे बैट स्पेल्स डाल दिए। एंड यहाँ पे देखना गाइस सीन क्या होता है, यहाँ पे इतने सारे बैट्स हैं, मैंने फ्रीज स्पेल यहाँ पे क्यों डाला मुझे अभी तक नहीं पता, मैंने यहाँ पे फ्रीज स्पेल क्यों डाला विजिट टावर के ऊपर, जरूरत ही नहीं थी। ओके अभी देखना गाइस, अभी यहाँ पे जो आइस गोलम था वो फूटने के बाद ये जो हमारा विजिट टावर है वो फ्रीज हो जाता है, देखना अभी फ्रीज हो गया। फ्रीज होने के बाद भी मैंने फ्रीज स्पेल डाल दी पता नहीं क्यों, ये देखो डाल दी मैंने अभी फ्रीज स्पेल। तो ये अगर मैं फ्रीज स्पेल नहीं डालता तो भाई साहब ये 110% अटैक 3 स्टार आता हमारा। एंड क्या बोले भाई साहब, फ्रीज स्पेल क्यों डाला भाई, मैंने आराम से जीत जाते। एंड टाइम भी देख रहे हो कितना, एक मिनट बचा था भाई, एक मिनट 10 सेकंड कुछ बचे थे, तो क्या ही बोले अब, आराम से हो जाता भाई ये 3 स्टार। फ्रीज स्पेल हम लोगों ने गलत, ये छोटी सी गलती किया हम लोगों ने, और ये पूरा मतलब इसका पूरा नतीजा 12 स्टार्स हुए हमारे, उनके 13 स्टार्स हुए। तो ये था आज का हमारा अटैक जो हम लोगों ने गलती की थी। देन अभी बढ़ते हैं नंबर 1 का अटैक देखते हैं, टैक्सी ने अटैक किया था नंबर 1 पे, इसने अटैक किया था एंड इसने भी यहाँ पे बैट स्पेल्स के साथ अटैक किया था, हालांकि यहाँ पे इसने कोई भी फ्रीज स्पेल यूज नहीं किया, ये बहुत ही अच्छी बात है, विदाउट यूजिंग फ्रीज स्पेल इसने यहाँ पे 3 स्टार किया है, क्योंकि अगर आप लोग पीछे देखोगे तो पीछे चारों के चारों एक्सपोज ग्राउंड थे, तो कैसे इसने 3 स्टार किया, चलो देखते हैं। ये बेस था नंबर 1 का एंड टैक्सी ने यहाँ पे विदाउट फ्रीज स्पेल के साथ 3 स्टार अटैक किया है बैट स्पेल्स को यूज करके। तो यहाँ पे सुपर गॉब्लिन्स आ गए यहाँ पे, तो सुपर गॉब्लिन्स ने यहाँ पे फनल बना लिया एंड यहाँ पे विजर्ड ने फनल भी बना लिया अच्छे से। एंड यहाँ पे बुड्ढे के साथ वॉक, यहाँ पे बारबेरियन किंग, एंड अगर आप लोग अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे एक वॉल नहीं है, तो ट्रूप्स वहाँ से अंदर जा सकते हैं, अगर वॉल होती भी तो भी कुछ मतलब प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि सीज बैरक ने छोड़ दिए सारे के सारे, ये टीज डाल दिए पीछे से, एक बलून बोलर्स क्वीन डाल दी, किंग के साथ फनल बना रहा है, एक रेड स्पेल डाल दी, एक जंप स्पेल भी लिया इसने एंड सीसी के अंदर इसके पास ट्रिपल आइस गोलम था, जंप स्पेल अभी भी डिप्लॉय की नहीं है, वार्डन की एबिलिटी यूज कर ली, सारे के सारे ट्रुप्स कोर में है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेंट्रेटेड ट्रुप्स है। एंड अगर हम लोग अभी देखेंगे तो बैटिंग, ये देखो कहाँ से स्टार्ट करता है, एंड अभी देखते हैं गाइस इसने बैटिंग कहाँ से स्टार्ट की है, और यहाँ पे 2 विजिट टावर्स है तो ये 2 विजिट टावर्स को ये कैसे डिस्ट्रैक्ट करता है, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे टाउन हॉल तो इसको मिल चुका है, यहाँ पे स्टार्टिंग में आइस गोलम डाल के पीछे से सारे के सारे बैट्स डाल दिए ताकि ये वाला विजिट टावर बिजी हो जाए, लेकिन इस वाले विजिट टावर को क्या करेगा, ओ ओ ओ भाई साहब मान गए, यहाँ पे रॉयल चैंपियन के साथ उस वाले विजिट टावर को इसने बिजी किया, हालांकि मारा भी होगा, यस मार भी दिया, एंड पीछे से सारे के सारे बैट्स, ओ भाई साहब जो पीछे वाला सेक्शन था जहाँ पे ईगल आर्टिलरी, चार चार एक्सबोज, आर्चर टावर्स, कैनन्स और ये हमारे एयर डिफेंसेस थे उनको बैट्स ने ले लिया। तो यहाँ पे देख लो बहुत सारे बैट्स बचे एंड बैट्स को मारने वाला कोई नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है ये। एंड एक विजिट टावर को इसने आइस गोलम के साथ ट्रिगर किया, दूसरे वाले विजिट टावर को इसने रॉयल चैंपियन के साथ डाउन किया। तो ये हो गया गाइस सिंपली 3 स्टार अटैक टैक्सी की तरफ से, हर्षल की तरफ से। तो ये था गाइस इसका यहाँ पे अटैक। देन अभी बढ़ते हैं हम लोग अन्नी के अटैक की तरफ, एंड उनके साइड से भी बहुत अच्छे अटैक्स हुए हैं हमारे बेस के ऊपर। तो गाइस अभी बढ़ते हैं अगले अटैक की तरफ, तो अगला अटैक नंबर 2 सिंथे के ऊपर अन्नी ने अटैक किया है, तो ये वाला बेस था इसका। एंड यहाँ पे स्ट्रेटेजी अगर आप लोग देखोगे तो यटी बोलर्स के साथ 3 स्टार अटैक किया है, एंड यहाँ पे सीज मशीन कौन सी यूज की होगी देखना पड़ेगा, मैं भी शायद भूल गया हूँ। तो यहाँ पे इसने स्टार्टिंग में वार्डन के साथ वॉक किया, बारबेरियन किंग के साथ फनल बनाया, एक कंपार्टमेंट से सारे के सारे ट्रुप्स कोर में कॉन्सेंट्रेटेड। आप लोग इस स्ट्रेटेजी में एक ही बात का ध्यान देना है, फनल अच्छे से बनाना है, अगर आप लोग फनल अच्छे से बनाओगे सारे ट्रुप्स कोर में जाएंगे तभी आपका चांस होगा 3 स्टार होने का। तो यहाँ पे बारबेरियन किंग के साथ फनल, बुड्ढे के साथ फनल, एक सुपर वॉल ब्रेकर डाल दिया वहां पे। ओके देखते हैं बारबेरियन किंग ने तो यहाँ का एक जो कंपार्टमेंट है उसके एक दो बिल्डिंग्स डाउन कर लिए, बाहर के भी बिल्डिंग्स डाउन कर लिए, बारबेरियन किंग ने भी बाहर की बिल्डिंग्स डाउन कर ली। अभी सारे के सारे ट्रुप देखो वॉल ब्रेकर के साथ वॉल ब्रेक करके सारे के सारे ट्रुप्स को कोर में लेके गया, पीछे से एक बलून भी डाल दी ताकि वहां पे कोई भी सिकिंग एयर माइन होगी तो वो ट्रिगर हो जाएगी और हिलर्स को हम नहीं कर पाएगी। आर्चर क्वीन भी आ चुकी है, एक जंप स्पेल इसने यूज कर लिया, एंड यहाँ पे गाइस इसका था यहाँ पे टोर्नेडो ट्रैप। तो बारबेरियन किंग के जो बच्चे होते हैं बारबेरियंस, उन्होंने यहाँ पे उसको ट्रिगर कर लिया, एक जंप स्पेल इसने डाल दी वहाँ पे, सारे के सारे ट्रुप्स कॉन्सेंट्रेटेड हिलर से वहाँ पे, वार्डन की एबिलिटी अभी तक यूज नहीं की, सीसी बाहर आने के बाद वहाँ पे पॉइजन डाल दिया, एक और रेड स्पेल इसने यहाँ पे डाल दिया। भाई साहब क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा,
लेकिन सारे के सारे ट्रूप्स देखो एक कंपार्टमेंट में आ गए। यहाँ पे सेकंड जंप आ चुका है एंड गाइज यहाँ पे इसने रॉयल चैंपियन डाल के पीछे से डाल दिया स्टोन स्लैमर, क्या बात है। तो यहाँ पे स्टोन स्लैमर डाल दी इसने, सारे के सारे ट्रूप्स अभी भी कॉन्सेंट्रेटेड है, पांचों के पांचों हिलस जिंदा है सबसे बड़ी बात। आचे क्वीन के पास एबिलिटी है तो क्वीन ने यहाँ पे सिंगल इन्फर्नो को डाउन किया। यहाँ पे स्टोन स्लैमर है अभी भी, स्टोन स्लैमर के अंदर ये टीज होंगे। रॉयल चैंपियन के पास आधे से ज्यादा हेल्थ है एंड एबिलिटी भी है तो यहाँ पे स्कैटर शॉट भी डाउन हो चुका है। तो एक बार इसको देखते हैं टू इंटू स्पीड में। तो नहीं बलून से यहाँ पे सीसी के अंदर इसके पास, मुझे लगा ये टीज हो सकते हैं लेकिन सीसी के अंदर इसके पास बलून्स थे। एक फ्रीज भी है और एक हेस स्पेल अभी भी बचा है इसके पास। तो इस तरीके से गाइज इसका हो चुका है यहाँ पे थ्री स्टार अटैक एंड फ्रीज स्पेल कहाँ यूज किया, शायद यूज कर लिया, अभी भी बहुत सारे बलून्स बचे हैं। तो ये हो गया गाइज यहाँ पे अन्नी की तरफ से थ्री स्टार अटैक। अभी देखते उनके साइड से अटैक, उन्होंने भी बहुत खतरनाक अटैक्स किए हैं। तो ये हो गया गाइज उनकी तरफ से, सॉरी हमारी तरफ से थ्री स्टार उनके ऊपर। देखते हैं अन्नी के ऊपर थ्री स्टार अटैक किया इरियम ने, तो ये बेस था। एंड यहाँ पे क्वीन चार्ज लावल उनके साथ थ्री स्टार अटैक किया, क्या बात है। क्वीन चार्ज अटैक देखने में बहुत मजा आता है। यहाँ पे सिर्फ 20 बलून्स यूज किए हैं, इसने बहुत अच्छी वैल्यू निकाली है क्वीन के साथ। अभी देखना कितनी खतरनाक लेवल की वैल्यू निकाली है इसने क्वीन के साथ। तो एक बॉलर के साथ इसने दो बिल्डिंग्स डाउन कर ली जिसमें एक हमारा मोटर भी था। अभी भी बॉलर अच्छे से काम कर रहा है, क्या बात है। क्वीन आ चुकी है यहाँ पे, हीलर्स अभी तक डिप्लॉय किए नहीं है इसने। 20 बलून से और 8 वॉल ब्रेकर से, सुपर वॉल ब्रेकर नहीं है नॉर्मल वॉल ब्रेकर से इसके पास। एक बलून डाल दिया वहाँ पे, देन उसके बाद हीलर्स को अभी तक डिप्लॉय, ओके हीलर्स डिप्लॉय कर दी बलून डाल के ताकि वहाँ पे कोई भी सीकिंग एयर माइन होगी तो वो ट्रिगर हो जाएगी और हीलर्स की जगह बलून को टारगेट करेगी। यहाँ पे किंग के साथ फनल, क्वीन अंदर आ चुकी है। क्वीन कहाँ जाएगी, स्टार्टिंग में देख के लग रहा था कि अटैक फेल हो सकता है, क्वीन डाउन तक नहीं जा पाएगी, लेकिन क्वीन गई वहाँ पे। तो यहाँ पे एक वॉल ब्रेकर डाला वो फेल हो गया, चार वॉल ब्रेकर्स और यहाँ पे फ्रीज स्पेल डाल दिया, वॉल ब्रेकर ने वॉल फोड़ दी यहाँ पे एंड क्वीन डायरेक्ट अभी अंदर घुसेगी। एंड किंग ने तो फनल बना ही लिया है, यहाँ पे एक रेज स्पेल डाल दिया, शायद गलत रेज, एंड सीज बैरक इसने डाल दी, सॉरी एंड इसने सीज मशीन डाल दी। अबे ये कहाँ जा रहा है भाई साहब, ये कहाँ जा रहा था पता नहीं, लेकिन अभी आ गया यहाँ पे। एंड सीसी के अंदर इसके पास ट्रिपल आइस गोलम था तो इसने एक पॉइजन स्पेल डाल दिया। एंड सीसी के अंदर इसके पास शायद यटीज हो सकते हैं, ओ यटीज थे। एंड वहाँ पे एक रेड स्पेल भी डाल दिया टाउनल के ऊपर ताकि बारबेरियन किंग मिल सके और ये जो ग्रैंड वार्डन है वो भी मिल सके, तो वो भी मिल गया। देन उसके बाद यहाँ पे क्वीन ने तो अच्छे से बना लिया है, यहाँ पे किंग ने तो अच्छे से फनल बना लिया है, क्वीन ने अच्छी सी वैल्यू निकाल ली। देख रहे हो 50% अटैक इसने क्वीन के साथ किंग के साथ निकाल लिया। अभी भी इसके पास क्वीन की एबिलिटी पड़ी है, फ्रीज यूज कर लिया वहाँ पे, एक लावा हॉर्न डाल दिया, पीछे से बलून्स डाल दिए, पीछे से रॉयल चैंपियन भी डाल दी, एक और लावा हॉर्न, फिर से पीछे से बलून्स एंड बुढ़े को डाल दिया, यहाँ पे फिर से बलून्स, पीछे से मिनियंस भी आ चुके हैं। अभी भी इसके पास एक फ्रीज और दो हेस्ट है, फ्रीज के साथ इसने स्कैटर शॉट और ईगल दोनों को फ्रीज कर लिया, बलून्स आ गए यहाँ पे फिर से। ओ ओ ओ भाई साहब मस्त मजा आ गया यार ऐसे अटैक देख के, क्वीन के साथ ज्यादा से ज्यादा वैल्यू निकाली है इन्होंने। एक बार टू इंटू स्पीड में देख लेते हैं। तो वार्डन की एबिलिटी यहाँ पे यूज कर ली, क्वीन के पास एबिलिटी पड़ी है, रॉयल चैंपियन के पास एबिलिटी पड़ी है। एंड इस तरीके से गाइज ये हो गया इरियम की तरफ से अन्नी के ऊपर थ्री स्टार अटैक। यस ये था गाइज क्वीन चार्ज लावल अटैक। अभी बढ़ते हैं अगले अटैक की तरफ। यस ये हो गया यहाँ पे थ्री स्टार। सीसी के अंदर तीन सुपर गॉब्लिंस यूज किए थे, सॉरी स्निकी गॉब्लिंस। अमन के ऊपर ट्राई हार्ड ने थ्री स्टार अटैक किया। तो ये था अमन का बेस यहाँ पे एंड इसने यहाँ पे सिंपली हाइब्रिड अटैक के साथ थ्री स्टार अटैक किया है। एक बार देखते हैं इसको फोर इंटू स्पीड में। ओ ओ ओ ओ स्टार्टिंग में यहाँ पे जो मल्टी इन्फर्नो था उसको डाउन किया बैटल ब्लिम के साथ, बैटल ब्लिम के अंदर इसने ये टीज लिए थे, क्वीन को डिप्लॉय कर दिया यहाँ पे। एंड शायद क्वीन यहाँ से अंदर जाएगी, टाउन हॉल तक जाएगी एंड पता नहीं, देखते हैं। क्वीन के साथ इसने वॉक स्टार्ट कर दिया, वहाँ पे जो मल्टी इन्फर्नो था वो हिलस को अभी टारगेट नहीं कर पाएगा, ना ही क्वीन को कर पाएगा। यहाँ पे अभी शायद क्वीन अंदर जाएगी, ओके बाहर चली गई क्वीन, क्या बात है। एक और रेज स्पेल डाल दिया एंड अभी क्वीन अंदर आ गई। एंड सीसी के अंदर इसके पास एक विच डबल आइस गोलम था, पॉइजन डाल दिया वहाँ पे, इसको यहाँ से किंग मिल जाएगा, एनिमी क्विल मिल जाएगी, दो दो एक्सपोज मिल जाएंगे, स्कैटर शॉट मिल जाएगा। इसने भी क्वीन के साथ बहुत अच्छी खासी वैल्यू निकाली, अगर आप लोग अच्छे से देखोगे तो इसने क्वीन के साथ ज्यादा से ज्यादा जो हैवी डिफेंसेस है वही डाउन की है, मतलब दो इसने यहाँ पे मल्टी इन्फर्नोस डाउन किए, बारबेरियन किंग को डाउन किया, अभी एनिमी क्वीन को डाउन करेगा।
टाउन हॉल की साइड से इसने डाले सारे के सारे माइनस, तो यहाँ पे एनिमी क्वीन डाउन हो गई इसकी। एबिलिटी दे 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 दे, अभी तक एबिलिटी दी नहीं, रेज स्पेल डाल दिया एंड अभी यहाँ पे एबिलिटी दे दी। ओके ओके, तो गाइज देखो यहाँ पे कितनी अच्छी खासी इसने वैल्यू निकाली है यहाँ से। क्वीन के साथ इसने दो एक्सबोज, दो इन्फिर्नोस, दो स्कैटर शॉट, एक ईगल, एनिमी की क्वीन, एनिमी की सीसी, एनिमी बारबेरियन किंग, इतनी वैल्यू निकाली इसने अकेले क्वीन के साथ यहाँ पे देख लो। एंड सीसी के ऊपर एंड टाउनल के ऊपर इसने वार्डन की एबिलिटी दे दी एंड वहाँ पे सारे के सारे माइनस हॉक्स डाले थे, तो देख लो क्वीन अभी भी जिंदा है इसकी। मतलब क्वीन के साथ देखो कितनी हाई लेवल की वैल्यू निकाली है इसने। यहाँ पे एक और हिल स्पेल पड़ा है इसके पास एंड रॉयल चैंपियन के पास भी फुल हेल्थ है और एबिलिटी भी है। तो ये सिंपल तरीके से भाई इसने थ्री स्टार अटैक किया इस बेस के ऊपर, बहुत सिंपल तरीके से। क्या बात है गाइस, मजा आ गया ये वाला अटैक देख के। अभी बढ़ते हैं हम लोग अगले अटैक की तरफ जो थ्री स्टार हुआ था इनकी तरफ से। तो गाइस इनका जो नेक्स्ट अटैक हुआ था वो दीप के ऊपर हुआ था, ट्रॉक एंड पेरिस ने अटैक किया इस बेस के ऊपर। एंड यहाँ पे भी स्ट्रैटेजी देखो कौन सी यूज की है, हाइब्रिड स्ट्रैटेजी के साथ इस बेस को थ्री स्टार अटैक किया है। एक बार टू इंटू स्पीड में देख लेते हैं। स्टार्टिंग में यहाँ पे कुछ बलून्स डाले, देन उसके बाद रॉयल अपना बैटल ब्लिम डाल दिया, बैटल ब्लिम के साथ इसने सिंगल इन्फिर्नो डाउन किया होगा शायद, यस सिंगल इन्फिर्नो डाउन किया। यहाँ से आर्चर क्वीन एंड पीछे से हिलर्स, लावा हॉन्ड आ चुका है सीसी से बाहर, लावा हॉन्ड फूटने के बाद पॉइजन डालेगा, डाल दी इसने पॉइजन, वहाँ पे विच भी थी तो विच भी पॉइजन के अंदर आ गई एंड यहाँ पे सीसी डाउन हो चुकी है। एक बेबी ड्रैगन डाल दिया, एक मिनियन, कुछ बलून्स डाल दिए इसने। क्या बात है, ये क्वीन को यहाँ शायद टाउन हॉल तक लेके जाना चाहता है। ओके तो क्वीन डायरेक्ट, ओके ओके ओके, इसने भी यहाँ पे क्वीन के साथ बहुत अच्छी वैल्यू निकाली, क्या ही बोलूँ मैं, क्वीन के साथ ही वैल्यू निकालते ये ज़्यादातर। एंड यहाँ से इसको टाउन हॉल भी मिल जाएगा क्वीन के साथ ही। क्या बात है गाइस, इसने यहाँ पे क्वीन के साथ टाउन हॉल को निकाल लिया भाई साहब, मज़ा आ गया। यहाँ पे माइनस और हॉक्स डाल दिए थे इसने, एक फ्रीज स्पेल डाल दिया, अभी भी इसके पास एक फ्रीज पड़ा है। ओ ओ ओ, ईगल भी निकाल लिया इसने, माइनर्स आ गए पीछे से, एक और हिल स्पेल डाल दी, रॉयल चैंपियन डाल दी पीछे से, अभी भी बहुत सारे माइनस पड़े हैं। क्वीन के पास फुल हेल्थ है अभी भी, बहुत सारे हीलर्स है, तीन हीलर्स है शायद, तीन नहीं चार हीलर्स है, नहीं नहीं तीन नहीं चार ही हीलर्स है, चार ही की तीन है, तीन हीलर्स है यहाँ पे। और रॉयल चैंपियन की एबिलिटी देख के पीछे जितने भी डिफेंसेस थे उनको किया यहाँ पे डाउन। तो गाइज इस तरीके से ट्रॉक एंड पेरिस ने यहाँ पे किया थ्री स्टार अटैक वेनम दीप के ऊपर। तो गाइज ये थी हमारी वॉर यहाँ पे MCES क्लैन के साथ, ये जो वर्ल्ड फाइनल्स में थे 2019 के, उनके साथ हम लोगों ने वॉर करी और हम लोग हार गए। आप लोगों से भी हुई होगी ऐसी गलती है एंड आपके वजह से भी आप लोग बहुत बार वॉर हार चुके होंगे। तो ये थी गाइज हमारी फाइनली वॉर पुणे फाइटर वर्सेस MCES एंड इनके साथ खेल के बहुत मजा आया, उन्होंने 13 किए हम लोगों ने 12 स्टार किए। तो ये थी गाइज आज की हमारी वॉर। तो गाइज बस आज के लिए इतना ही एंड हाँ, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, जल्दी से दबा दो, बाजू वाला बेल आइकन दबा देना। मैं मिलता हूं आप लोगों को अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।